tuning into my Bollywood body. मैं आपका host Sunny. Thank you very much for support. 3.5-4 million followers. You know, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ? मैं नहीं करना चाहता because you know whatever. That's just the way I am. आज इस how to video के अंदर हम आपके साथ share करेंगे how to do a shoulder press machine. A great exercise for beginners. जितने भी मेरे coaching के client हैं, specially they often ask me कि Sunny भाई, you know, you say 4 set 12 के या 5 set 12 के. हमारी कोई आपके YouTube की following है या Facebook के ऊपर 12 million people हमें follow करते हैं. They always ask us कि यार ये आप एक्सरसाइजेस बताते हैं बट यू नेवर टीच अस हाउ टू डू दीज एक्सरसाइजेस प्रॉपरली बिकॉज जब आप वर्कआउट शूट कर रहे होते हो यू हैव लिमिटेड टाइम 5 से 6 मिनट के अंदर आपने 6-7 एक्सरसाइजें कवर करनी पड़ती हैं सो एनी प्रेस यू डू क्या वो शोल्डर प्रेस है या चेस्ट प्रेस है या लेग प्रेस है कोई भी प्रेस है दैट गिव्स यू साइज अब आपके शोल्डर के हेड्स हैं फ्रंट हेड है साइड हेड है और बैक का जो हेड है जब आपने प्रेस लगानी है दैट एक्चुअली पुट्स अ लॉट ऑफ कंपाउंड प्रेशर ऑन ऑल दी हेड्स नॉट जस्ट के फ्रंट हेड साइड हेड एंड बैक हेड ओवरऑल आपके शोल्डर की थिकनेस पे काम करता है नॉर्मली एज ए बिगिनर मैं अगर आपने अभी जिम जाना शुरू किया है आप लड़के हैं कि लड़की हैं नॉर्मली रेकमेंड शोल्डर प्रेसेस फॉर शोल्डर मोबिलिटी फॉर शोल्डर स्ट्रेंथनिंग फॉर शोल्डर टोनिंग एंड फॉर द शोल्डर ओवरऑल विथ एंड द मास प्रेसेस इज अ बेसिक एक्सरसाइज नॉर्मली मैं लोगों को शोल्डर प्रेस मशीन से स्टार्ट कराता हूँ फिर मैं उसके बाद उन्हें डंबल्स पर लेके जाता हूँ फिर मैं बारबल पर लेके जाता हूँ एंड इवेंचुअली आई टेक देम ऑन टू द पुश प्रेसेस विच इज वेरी एडवांस वर्जन ऑफ बारबल प्रेसेस जब आपने शोल्डर प्रेस लगानी है यू जस्ट रिमेंबर स्पेशली वेन यू डूइंग अ मशीन इज When you lift your hands up, your hands are never going to be here. See, आपके हैंड कभी इस तरह पीछे नहीं आएंगे. So, आपकी जो natural movement है, which is this. This is your natural movement. Number one, always remember कि आपकी natural movement is always going to be at an angle, never going to be pushed back. Always at an angle. One. दूसरी चीज ये है कि जब आपने नीचे लेके आना है, it you know better. कोई ट्रेनर आपको ये नहीं बता सकता ये स्पेशली यूट्यूब के ऊपर तो बताना बहुत ही इंपॉसिबल है कि यार इतना नीचे लेके जाओ ना लेके जाओ सो नॉर्मली ये लोगों को मैं रेकमेंड करता हूँ जितना आपकी बॉडी आपको नीचे आना अलाउ करती है अगर आपकी बॉडी यहाँ पे दुखती है इसके बाद खिंच पड़ रही है दिस इज इट यहाँ तक आ सकते हो दिस इज ओके सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू आपकी बॉडी इधर लॉक होती है शोल्डर यू नो आर फ्रीजिंग अप जस्ट दिस इज गुड इनफ डोंट फोर्स इट टू कम डाउन बिकॉज दैट्स व्हेन यू कैन हैव टेंडन इश्यूज एंड रोटेटर कफ इन्वॉल्व हो जाते हैं और टेंडन खींचने लग जाते हैं इवेंचुअली यू विल हैव एन इंजरी सो नंबर वन असूल पीछे नहीं करना हैव अ न्यूट्रल मूवमेंट अपनी आर्म्स की जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना नीचे आए पूरा ऊपर जब आपने जाना है तो नेवर पूरी बाजू सीधी करें 90% तक जाएं देखिए उसका फायदा यह है कि जब आप प्रेस करके 90% पे रोकेंगे ना सारा क्योंकि आपकी बाजू एंगल पे है सारा प्रेशर आपके शोल्डर के हेड्स के ऊपर आ जाएगा लेकिन अगर आप बाजू बिल्कुल सीधी कर लेंगे वो शोल्डर से प्रेशर उठ के आपके जॉइंट्स के ऊपर पड़ने लग जाते हैं एंड फॉर बिगिनर दैट्स व्हाट यू नीड टू अवॉइड कि आपके जॉइंट्स पे प्रेशर ना पड़े आपके मास के जितने हेड्स हैं मसल्स के उसके ऊपर प्रेशर पड़े सो फॉर अ शोल्डर प्रेस मशीन नॉर्मली मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ अगर आप खाली ये वीडियो देखे आप यू वन आप पंगे पुंगे लेना चाहते हैं 5 सेट लगाएं पहला सेट आपका वार्म अप हो गया 8 से 10 रेपिटेशन उसके बाद आपके 4 मदर सेट्स हैं जिसमें आप 8, 10 up to 12 रेपिटेशन चले जाएं दिस इज योर अगर आपकी फ्रंट की ग्रिप है दिस इज योर मिमिकिंग अ डंबल प्रेस मोर लाइक एन आर्नोल्ड प्रेस हिट्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ योर शोल्डर नॉर्मली जब भी मैं शोल्डर प्रेस रेकमेंड करता हूँ दिस इज योर ग्रिप साइड पे जो है अब देखें जब आपने प्रेस किया रिमेंबर पूरी बाजू ऊपर नहीं लेके जानी लिटिल बिट एट एन एंगल यहाँ पे रोक के रखना है नीचे अगर इतना बॉडी अलाउ करती है दिस इज जब इतना रोकें जब आपने पुश करना है ब्रीद आउट सी मैं ऊपर क्या करता हूँ मैं सीधी नहीं कर रहा बाजू आई गो अप टू अबाउट 95% मैं बाजू खोलता हूँ ताकि प्रेशर जो है मेरा सारा का सारा शोल्डर पे रहे जब मैं नीचे आ रहा हूँ देखें मेरी बाजू एंगल पे है और जितना मेरा बॉडी अलाउ करती है मेरा बॉडी इतनी अलाउ करती है मैं इतना नीचे आऊंगा इधर अलाउ करती है मैं इधर तक आऊंगा सो लेट्स डू अ फ्यू रैप्स सांस अंदर पुश आउट जब जोर लगाना है ब्रीद आउट नाक से सांस अंदर ब्रीद आउट सो एल्बोज अगर आप थोड़ी बिंगी रखेंगे प्रेशर शोल्डर पर रहेगा दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू And that's about it. So a shoulder press, like I said in the beginning too, is a great exercise to add thickness, the mass. If you are a girl, you want to tone your shoulders. You know, aur aap shoulder press se fat uthana chahte hain, there are same exercises that you do. It all at the end of the day, diet does the magic. 4 se 5 set, like I said in the beginning, main recommend karta hoon. Pehla warm-up set, 4 main sets, 8, 10 up to 12 repetitions. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं डाउनलोड करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर करें हमें आप फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलें और यूट्यूब के ऊपर जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल का नाम है माय बॉलीवुड बॉडी आजकल मुझे डंडा पीछे से बहुत दिया हुआ कि आप बहुत बदतमीजी करते हैं तो शरीफों की तरह वीडियो शूट किया करें तो पहला मैं किसी बीबी के नाल ओदी छाती से पूमा पवाया सी हुण मैं अपनी छाती पूमा पवाया पर अंदरों जट तक कढ़ना पैंदा .com